हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की बेसन वाली सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10-12 हरी मिर्च लिए। इसको हम इस तरह से काट लेंगे। ये मैंने धो के साफ करके लिया है। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हमारे पास कोई सब्जी नहीं होती तब हम बना सकते हैं। किसी और साग के साथ ऐसा कोई गेस्ट आया है तो आपको बनानी है दूसरी सब्जी, तभी आप ये सब्जी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और झटपट बन जाती है। इस तरह हम सारे मिर्च को काट लेंगे। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत तीखी मिर्च नहीं लेनी है, थोड़ी कम तीखी हो ऐसी मिर्च लेनी है, वरना सब्जी बहुत तीखी हो जाएगी। इस तरह हम सारे काट लेंगे। एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे, आधी छोटी चम्मच राई के दाने डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और मैंने आधी छोटी चम्मच मेथी की दाल ली है वो डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे और करी पत्ता को मैंने काट के लिया है वो डालेंगे और हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और 2 मिनट इसे ऑयल में भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हम आटे का भी नमक इसी में डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और हम आधे कप जितना पानी डालेंगे। और इसे ढक के 2 मिनट पकने देंगे। हमें ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं है, 2 मिनट ही रखना है। 2 मिनट हो गई है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। आप यहाँ पे नींबू डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीठा खाया जाता है तो मैं नींबू नहीं डालूँगी। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, खट्टा मीठा खाना हो तो। अब थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर हम ये मैंने आधा बाउल बेसन लिया है, ये हम इस तरह से डाल देंगे। हमने बेसन को मिक्स कर दिया है। अब हम 2 मिनट इसे पकने देंगे और मैंने इतना बेसन थोड़ा सा 1 चम्मच जितना रख दिया है। 2 मिनट हो गई है। अभी हम सब्जी को चेक करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। बेसन हमारा पका हुआ होना चाहिए। अब हम इसमें धनिया पत्ते डालेंगे और इसे मिक्स करके हमारी सब्जी रेडी है। ये हरी मिर्च और बेसन की सब्जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।